बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। किचन रेसिपीज़ विद फरहत के चैनल में खुश आमदीद। तो जी नाज़रीन, आज हमारे किचन में बन रही है दाल मसूर, जो बहुत ही मज़े की बनती है, जिसके लिए मैंने ये दाल मसूर ले ली है 1 कप, और इसको मैंने नीम गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। हाफ मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और 3 टमाटरों का पेस्ट ले लिया है। ये मैंने हरा प्याज ले लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 सब्ज़ मिर्च ले ली है। फ्लेम को कर लेंगे अमान, और इसके ऊपर मैंने 1 पतीली रख ली है। इसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी और इसको गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें कटे हुए प्याज शामिल कर दूंगी और इनको ब्राउन कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कर दें। यह 1/2 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया है। साथ ही 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल कर दूंगी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और हसबे जायका नमक, और साथ ही मैं टमाटर शामिल कर दूंगी, हरा मसाला, और इन सब को अच्छे से भून लेंगे। ये देखें, दाल को भी मैंने अच्छे से भून ली है। पाँच 10 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से हम भुनाई करेंगे। दस मिनट हो चुके हैं, दाल की अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इसमें 1/2 गिलास में गर्म पानी शामिल कर दूंगी, फिर इसको ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि दाल हमारी गल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको डिश आउट कर लूंगी। मैं इसमें कटा हुआ हरा प्याज, हरा धनिया और कटे हुए खीरे शामिल कर दूंगी। अब मैं 1/2 लेमन का जूस इसके ऊपर डाल दूंगी, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।